कैसे हो आप लोग? पैसा अच्छा लगता है? मिडिल इनकम ग्रुप का टैग यहाँ से उखाड़ के फेंकना चाहते हो? पैसा बनाना चाहते हो? देखो, जब आप किसी चीज़ को चाहते हो वो अलग बात है। इकोनॉमिक्स में डिमांड किसको बोलते हैं? कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी के पैसे मेरे पास होना चाहिए और पेमेंट करने की तैयारी होनी चाहिए। तीनों चीज़ मिलती है तब इकोनॉमिक्स उसको डिमांड बोलती है। आप चेयर में बैठे बैठे बोलेंगे मुझे भी गाड़ी चाहिए, इकोनॉमिक्स की भाषा में वो डिमांड नहीं है। ऐसे ही मुझे पैसा चाहिए वो आपकी आवाज़ नहीं है। ये तो यहाँ आए, सवाल कर लिया तो जवाब तो कुछ देना है, करके आपने दिया। समझ रहे हो? जब आप माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हो और जो भी चीज़ ब्रह्मांड से मांगते हो, भगवान को, ब्रह्मांड को, अपने नियम कानून तोड़ के वो चीज़ आपको देनी रहती है। ऐसे एक ने एक हज़ार एग्जाम्पल में दे सकता हूँ। मैंने मेरी करियर की शुरुआत एज अ प्यून की थी। 16 रुपया 33 पैसे साइन ऑक्ट्रोई नाका, 20 पैसे के रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर साइन करता था। पंचायत ऑफिस में जाकर 16 रुपया 33 पैसा लेके आता था घर पे। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। मगर मैं जीता क्यों? मैंने मेरे नीचे के अग्नि को ठंडा नहीं होने दिया। असंतोष की एक चिंगारी को ज्वालामुखी तक ले गया। हर बात पे मैंने असंतोष किया है, हर बात पे असंतोष किया है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाता था, सबसे पहले वो सामान्य वर्ग बाहर लोट लटक के चलते थे। इसके बाद S1 S2 S3 देखता था, फिर कांच की बारी वाला, छोटी उम्र थी, AC के डिब्बे देखते थे। मैं सोचता था ये बैठ सकते हैं, हम क्यों नहीं बैठ सकते। फिर ऐसा देखता था जेब में पैसा नहीं है। फिर वो असंतोष की चिंगार को फूंक मारा, वापस अग्नि बनाया। लोग फ्लाइट में जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? बड़े बड़े शोरूम में जाने से मैं डरता था, जेब में पैसा नहीं था, फिर भी जाता था, घुसता था, अच्छी अच्छी चीज़ें देखता था, महंगी चीज़ें देखता था, उसको छूता था और मानता था कि ये चीज़ मेरे लिए है। इतना स्ट्रांग अपने आप को बनाओ कि जो चीज़ आप चाहो वो आप ले सकते हो। मेरे पास, मैंने और नीलेश सर ने पिछले 22 साल से हमने साथ में काम किया है। और MLM इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पैसा दे सकती है, मगर ई बायोटेक में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बिलियनर बना सकती है। कोई माइके लाल की ताकत नहीं जो इतना पैसा दे सके ऑन डॉट। क्या चाहिए आपको? और हमारी एक मजबूरी है कि हम छोटी छोटी बात के ऊपर लोन लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप में से कितने लोगों के ऊपर कर्जा है, लोन का या क्रेडिट कार्ड का? जो भी ऑनेस्टली बताना। मैंने बारह टर्म शुरू नहीं किया था तब मेरे ऊपर भी लोन चलता था। एक बात है, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई क्राइम भी नहीं है, मगर जो लोन आप लेते हो उनकी किस्त अगर आपने आपकी करंट इनकम से चुकाई, समझ लो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लोन लिया, 25,000 का मेरा इंस्टॉलमेंट है, ओके डन, मगर वो 25,000 मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से कमाऊंगा। और ये सही टाइम है, पहले 3 महीने में अपॉर्चुनिटी से जुड़ो। पहले 3 महीने में जो भी लोन चलती है रफा दफा कर दो, उसी जुनून के साथ काम करो। मैंने जब शुरू किया, नीलेश सर ने बताया, पूरा लॉकडाउन चल रहा था, रोड के ऊपर कुत्ते बिल्ली गाय के अलावा कुछ दिखता नहीं था। तब मैंने शुरुआत किया और मैट्रेस किसी को दिया नहीं था करके मेरे पास कोई टेस्टिमनीज नहीं था कि सर को आर्थराइटिस में फ़ायदा हुआ, सर को स्लीप डिसऑर्डर में फ़ायदा हुआ, मैडम को कुछ और में फ़ायदा हुआ। मेरे पास नहीं था ये बेनिफिट। आज आपके पास हजारों टेस्टिमनीज है कि नहीं? मेरे पास कोई इनकम प्रूफ नहीं था कि ये बंदा 500 रुपये भी कमाया है। आज लोग मुझे दिखाते हैं, लोग विजय सर को दिखाते हैं, नीलेश सर को दिखाते हैं, धर्मंग पंड्या सर को दिखाते हैं,
वो बेनिफिट आपके पास है, मेरे पास नहीं था। जब मैंने शुरू किया ई बायोटोरियम, शब्द ब्रह्मांड के लिए ही नया था, दुनिया की तो बात छोड़ो, शब्द बिल्कुल नया था। आज ई बायोटोरियम एक ब्रांड बन चुका है, वो बेनिफिट आपके पास है। मेरे पास दिखाने के लिए छोटी सी ऑफिस थी, आज आपके पास मुंबई जैसे शहर में 1,00,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस है, वो बेनिफिट मेरे पास नहीं था। मैंने जब शुरू किया सपोर्ट सिस्टम नहीं थी, आज सपोर्ट सिस्टम है, दिन की 4-4 जूम मीटिंग्स के बेनिफिट्स आप ले सकते हो, 2-2 अपने ट्रेनिंग डायरेक्टर्स भी है, एजुकेशनल डायरेक्टर मिस्टर जोशी एंड मिस्टर जैन, मेरे पास ये नहीं था। जब मैंने शुरू किया सरप्राइज बोनस नहीं था, आज आपको पहले दिन से सरप्राइज बोनस है। जब मैंने शुरू किया रीपर्चेस इनकम नहीं थी, आज आपके पास रीपर्चेस इनकम है। मेरे पास यह गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स नहीं थे दुनिया को दिखाने के लिए, आज आपके पास है। अब वहीं से लेके यहां तक आने में, 4 करोड़ तक आने के लिए मुझे 18 महीना लगा, इतनी एडवर्स सिचुएशन के बावजूद, तो आज आपके पास पहले दिन से सब कुछ है। अच्छा, मेरे पास नीलेश सर नहीं थे गाइडेंस के लिए, आपको पहले दिन से है। तो जब मैंने 4 करोड़ कमाए तो आपको कितना कमाना चाहिए? 40। डिमांड किसको बोलते हैं, अब भी मैंने समझाया। प्रैक्टिकल इतना फाउंडेशन को स्ट्रांग करो कि 3 महीने में आपकी लोन तो हो जाए, बाकी मिलियनर बनने का रास्ता साफ हो जाए। मगर एक बार आपके अग्नि को ज्वालामुखी में बदलना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक फ्लाइट और स्पेस शटल दोनों रास्ते में मिल गए, दोनों फ्रेंड्स थे, तो एक दूसरे के खबर अंतर पूछे, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, तो प्लेन रोया। बोले क्यों रोया? ताकि मेरा पायलट 10 किलोमीटर तक भगाता है मुझे और फिर गोल 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 घुमा के ऊपर ले जाता है, मैं थक जाता हूँ, और जब नीचे उतरता है तब भी गोल 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 करके आता है, 10 किलोमीटर तक दौड़ाता है, तब जाके रोकता है वो। तुझे अच्छा है, तू तो जैसे उड़ा ऊपर, तब वो स्पेस शटल ने क्या बोला, भाई जिसके नीचे अग्नि होती है ना उसको मालूम होता है ऊपर कैसे जाया जाता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।